शांति। आज की मुरली 23/4/21 की है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी, हट्टी में ना एक दुकान जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। क्या बाबा ने कहा? बाबा ने हमें एक दुकान दिया है। कौन सा? वंडरफुल। बाबा ने इसको वंडरफुल क्यों कहा? आप देखोगे कि दूसरे जितने भी दुकान होते हैं, उनमें जितने भी सामान रखे हुए होते हैं, वो वहां बेचते हैं, लेकिन बाबा ने कहा, मैंने आपको वंडरफुल दुकान दी है, हट्टी है जो और किसी के पास नहीं है। तो ये दुकान में मुझे क्या क्या बाबा ने दिया है, वो बाबा अभी आगे बताते हैं। वैरायटी सामान, जिसको जो चाहिए संसार में, वो उनको सामान मिलता है। तो बाबा ने आज का प्रश्न पूछा है, इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? आप देखो, हमारे एरिया में अगर कोई एक किराने का दुकान है, तो दूसरा भी कॉपी करके किराने की दुकान बना सकता है, लगा सकता है, लेकिन हमारी जो दुकान है, उसी की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। बाबा ने ये सवाल पूछा है, आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा है, जो आगे बाबा हमें समझाते हैं। बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है, जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता है। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। बाबा ने जवाब दिया, ये वंडरफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ आज संसार में इतनी सारी परेशानियां हैं, तो लोगों को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए। क्या ऐसी कोई दुकान है जहां जाकर आप कह दो कि मुझे आधा किलो सुख दे दो, आधा किलो शांति दे दो? ऐसी कोई दुकान है? पर बाबा ने ऐसी दुकान दी है हमें कि अगर किसी को शांति चाहिए तो हम शांति भी दे पाएंगे, किसी को सुख चाहिए तो हम सुख भी दे पाएंगे। उनकी जो इच्छा है वो हम सर्व इच्छा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाबा तो सबका सागर है। उसने ये दुकान लगाया है जो हमें हमें उनका मालिक बनाया है। तो इतनी सारी बातें हमारे पास भी तो होनी चाहिए ना। सुख और शांति पहले मेरे पास होगी, तभी तो मैं दूसरों को दे पाऊंगी। अगर मेरे पास ही नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे दे पाऊंगी? इसलिए सबसे पहले मुझे इन सब की जरूरत है। दुकान खोलने से पहले मुझे मेडिटेशन करके ये सारी चीजें जब मेरे पास होगी, तब ही मैं दूसरों को दे पाऊंगी। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने सारा जहान पा लिया, जहान तो क्या, सब कुछ पा लिया। एक बाबा के हम जब बन गए, तो बाबा ही हमारा संसार है, उसमें ही सब कुछ है। जो बाबा के पास है, हम उसके मालिक हैं। तो हमारे पास भी तो सब कुछ हो गया। ओम शांति। अब बच्चे बैठ बेहद के बाबा के सामने। ये जो मुरली चल रही है, ये मुरली कौन चला रहे हैं? ये बाबा की महावाक्य है, ये किसी मनुष्य के नहीं है, ये बाबा की महावाक्य है जो हम डायरेक्ट सुन रहे हैं। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। मैंने पहले भी समझाया था कि उसको हम
बाप और दादा क्यों कहते हैं शिव बाबा को? वो हम आत्माओं का पिता है, इसलिए हम उसको बाप कहते हैं। और दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा भी मेरा बाप है, तो वो ब्रह्मा का भी बाप है, तो वो मेरे बाप का भी बाप मीन्स दादा भी है। इसलिए बाबा ने कहा वो बेहद का बाप भी है तो बेहद का दादा भी है। फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद के ज्ञान भी दे रहा है। हद की बातें अब छूटी, अब हम हद की बातें नहीं करते हैं। बेहद मीन्स आत्मिक और आत्मा के संबंध में जितनी भी बातें हैं हम उसके ही बातें करते हैं, दुनिया की कोई भी बातें नहीं करते हैं। आज आप देखो दुनिया में तो चारों तरफ न्यूज़पेपर खोलो तो वही बात, टीवी खोलो तो वही बात, और किसी से व्हाट्सएप भी कोई मैसेज आता है तो वही बात, हर बात एक ही है। पर यहाँ तो बाबा हमें सब न्यारी बातें बताते हैं। तो हद बेहद का ज्ञान है, हद की बातें अब छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है, ये एक ही हट्टी ठहरी, आपको दूसरा कोई दुकान नहीं है जहां आपको सुख शांति पवित्रता ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए और कोई भी दुकान पर नहीं मिलती है। बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो पता ही नहीं है हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाबा की हट्टी तो बहुत बड़ी हट्टी है, छोटी नहीं है। ये बाबा इस दुकान से एक दो को नहीं देते हैं, उसके बाबा की तो कितने सारे बच्चे हैं, वो सब एक ही टाइम में सब उससे ले रहे हैं। तो ये बेहद की हट्टी बाबा सबके लिए ही खोली है। उसको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है, तो ये है बेहद का बाबा, इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है वो अभी आपने सुना, बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है उनके पास। ये वंडरफुल अलौकिक सामान है, ये सामान हमको और कहाँ भी नहीं मिलेगा। और कोई भी दुकान पर जाओगे तो आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन आप देखोगे वो है हद की बातें और बाबा मुझे दे रहा है बेहद की बातें। आप कहीं भी जाओ क्योंकि उनके पास ये है ही नहीं और वो उनके पास लिमिटेड है, तो वो आपको क्या दे पाएंगे। लेकिन बाबा तो अनलिमिटेड है, सागर है, सागर कभी भी किसी को नाराज नहीं करता। वो नहीं कहेगा कि सुबह से बहुत सारे लोग आए और मुझ में टुपकी लगा के गए, मुझसे हीरे मोती लेके गए, अपना कचरा डाल के गए, अब आप मत आइए। नहीं, सागर तो बहुत विशाल होता है। इसी प्रकार ये परमात्मा भी बहुत वंडरफुल और विशाल है, सागर है। फिर गाया जाता है सुख करता दुख हरता, वो हमारे दुख हर कर हमें सुख देता है, इसलिए इसको हम वंडरफुल कहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारा दुख हरे और हमें सुख दे दे। यहाँ तो बिजनेस होता है, अगर हम किसी से अच्छी बात करते हैं तो लोग हमसे अच्छा बोलते हैं, अगर हम किसी से दादागिरी से या कुछ ऐसा बोलते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ परमात्मा वंडरफुल है, वो हमारे सारे दुख हर कर हमें सुख देता है। ये एक ही दुकान ठहरी और तो कोई का ऐसा दुकान नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है, है? ब्रह्मा तो क्रिएटर है और विष्णु तो उसकी संभाल करते हैं, और शंकर जी जो ये सृष्टि बिगड़ जाती है उसको फिर से रीजनोवेटी करते हैं। इन दोनों के तो काम अलग अलग है, इनसे हमें सुख शांति और ये पवित्रता की विरासत नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा सामान है परमात्मा के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाए। तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह बंधु च सखा, तुम्हें। इसलिए मैंने आपको पहले भी समझाया था कि परमात्मा के साथ
हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। आप देखो आज जमाने में अगर किसी से संबंध जोड़ना हो तो हम एक ही संबंध जोड़ सकते हैं। किसी को हम भाई मानते हैं तो फिर दूसरा संबंध नहीं रख सकते, लेकिन परमात्मा के साथ मैं सर्व संबंध जोड़ सकती हूँ। जिस संबंध की मेरे जीवन में कमी है तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो ही संबंध हम परमात्मा से जोड़ेंगे। आप देखो यहाँ संसार के लोग तो 24 घंटे तो अवेलेबल नहीं है, जब मुझे जरूरत पड़े रात को तो आप किसी को फोन करो तो वो कहेगा रात को फोन क्यों करते हो, सुबह करते थे, मैं अभी सो रहा हूँ। वो उस समय आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन परमात्मा तो 24 घंटे अवेलेबल है, किसी भी समय उसे पुकारो वो दौड़ा दौड़ा भागता भागता हमारे पास आता है, हमारे सारे दुख हर कर सुख दे जाता है। इसलिए उसी की महिमा है, मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, बस सब हद की दुकानें हैं। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं, ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। बेहद मीन्स सुख शांति खुशी आनंद पवित्रता, ये सारा हम परमात्मा से, बस क्या करना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब बैटरी, आप देखो जब हमारी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसमें हम चार्जर लगाकर जब इलेक्ट्रिकल पॉइंट पर लगाते हैं तो फिर वो चार्ज हो जाती है। उसी प्रकार ही हमारी आत्मा में जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम परमात्मा से जोड़ते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो ये सारी सुख शांति पवित्रता आनंद ऑटोमेटिकली मुझ आत्मा में बढ़ जाते हैं। ये भाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, इसलिए उसकी महिमा भी गाते हैं, पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी वखर, वखर मीन्स ये सारा सामान परमात्मा के पास ही होता है, वहां से ही आपको मिल सकता है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी, जिस बाप के साथ ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर, क्यों, वो मेरा पिता है। और जिस पिता के पास उसका बच्चा होता है तो आप देखो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑटोमेटिकली बच्चे की होती है, उसको आप लिख के ना भी दो तो भी जो पिता के पास होता है वो बच्चे का ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, तो उस पर बच्चों का भी हक है। परंतु यह किसी के बुद्धि में नहीं आता है, जब ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के भी हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे, उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते हम, तो क्या करना पड़ेंगे, बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है। हम परमात्मा को बुलाते हैं, परमात्मा दौड़ा दौड़ा आता है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। कल्प कल्प संगम युग पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ, हम जो तुमको वखर देता हूँ वह फिर कभी मिल न सके। ऐसा क्यों बाबा कहते हैं, जो अब सुख शांति आनंद हमें मिल रहा है कल्प में पूरे वक्त में कभी भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ संगम युग पर ही आते हैं, बाकी पूरे युग में उसका कोई पार्ट नहीं है। सतयुग में देखो हमारी खुद की प्रारब्ध है, 1250 2500 2500 2500 वर्ष हम जो अभी संगम युग पर मेहनत करते हैं मेडिटेशन कर, जो हम सामान मीन्स ये सुख शांति आनंद इकट्ठा करते हैं वो 2500 तक हमें वहां ये सुख शांति आनंद मिलता ही रहता है, वहां मुझे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मौज में बैठकर हम उसका हासिल कर सकते हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं ये सिर्फ संगम युग पर ही पॉसिबल है और कहां भी पॉसिबल नहीं है। ये फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे बढ़ जाते हैं। आधा कल्प मीन्स सत्युग और त्रेता 1250, 1250, 2500 वर्ष। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो, क्योंकि सत्युग त्रेता में हम कोई कमाई तो नहीं कर रहे ना। जितना हमने संगम युग पर कमाया है वो हम सत्युग और त्रेता में खाते खाते हमारी कमाई खत्म हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, हमारी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। इसलिए हमारी चढ़ती कला से उतरती कला में हम आ जाते हैं, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्कर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने 84 चक्कर का बताया है। हमारे सीरी में आपने सुना था कि सत्युग में हम 8 जन्म लेते हैं, द्वापर में हम 12 जन्म लेते हैं, त्रेता में हम 12 जन्म लेते हैं, द्वापर में हम 32 जन्म लेते हैं और कलयुग में हम 64 टाइम जन्म लेते हैं। तो टोटल हो गए 83 बर्थ हमारे। लेकिन अब संगम युग पर हमारा डबल जन्म होता है। कैसे? जैसे हम कभी बीमार हो और फिर आप देखो हमने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज किया लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर किसी ने आकर हमें समझाया कि ये भरो बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप इसके पास जाओगे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब हम उनके पास गए और इलाज किया और सचमुच मेरी तबीयत ठीक हो गई, तो कहेंगे इस डॉक्टर ने तो मेरी जान बचा दी। अब जान बचा दी मीन्स हम कोई चले तो नहीं गए थे, लेकिन इस डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी कि फिर से मेरी जान बच गई। इसी प्रकार संगम युग पर हम आत्माओं की बैटरी भी इतनी तो डिस्चार्ज हो गई है, इतना हमारे जीवन में दुख परेशानियां और डिप्रेशन, चारों तरफ देखो तो परेशानियां ही परेशानियां, इसका कोई भी मुझे इलाज नहीं सूझ रहा है, किसी ने इसका इलाज बताया नहीं, हम थक गए और फिर हम इस परमात्मा के पास आए और इस परमात्मा ने हमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज देकर हमारी फिर से जान बचा दी। तो ये मेरा नया जन्म है, ये मेरा स्पिरिचुअल जन्म है, ये जीवन में रहते हुए भी ये नया जन्म है। इसलिए हम कहते हैं अब मेरा ये नया जन्म हुआ है। तो बाबा कहते हैं 84 के बदले लोग तो 84 लाख जन्म कह देते हैं, माया तो भूल करा देती है, ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। इस समय वखर लेते हैं, सत्युग में राजाई करते हैं। अभी जितना जितना आप परमात्मा से सामान लोगे उतना उतना सत्युग में 2500 वर्ष बैठे बैठे मुझे आनंद में ही रहना है, कोई भी वहां कार्य या कमाई नहीं करनी है। सत्युग में राजाई करते हो, परंतु उन्हों को तो ये पता ही नहीं रहता है कि ये राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए जाते हैं। अब लोगों से पूछो ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कब मिला, तो वो बता पाएंगे? लेकिन बाबा ने तो हमको एक एक राज खोलकर समझाया है। वैसे भी हमने आपको बताया था कि हमारी संस्था का मेन एम एंड ऑब्जेक्ट तो यही है कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो घर घर में हमें लक्ष्मी और नारायण बनना है
और उसके लिए ये रोज हम मुरली सुनते हैं, क्योंकि एक बाबा ने कहा कि नर ऐसी करनी करे, करनी कैसी मुझे करनी है उसकी समझानी तो मुझे रोज मुरली में मिलती है। और एक एक गुण अगर मैं अपने जीवन में धारण करूंगी तभी ही मेरी जीवन ऐसे बन पाएगी। तो बाबा कहते हैं ये तो लोगों को कुछ मालूम नहीं है, जिन्होंने मंदिर भी बनाया है उनसे भी आप पूछिए कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, वो बता नहीं पाएंगे। स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख नहीं है, फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाते हैं। आधा कलप के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। रावण किसको कहा जाता है? पांच विकारों को रावण कहा जाता है। धीरे धीरे हम ये देह भार भार लेते लेते हम देह अभिमान में आ जाते हैं, और धीरे धीरे ये विकार रावण के रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं, और फिर किसी को भी गुस्सा करते हो तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है, तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी वह कलाएं तो सब खत्म हो गई है, एक बाप के सिवाय और कोई भी इतनी महिमा नहीं करते, पैसा हो तो फिर लाड़काना भी गुम कराओ। पैसे थे लाड़काना तो गुम लेंगे, लेकिन कहीं भी पैसे से आप कभी भी सुख शांति आनंद ये खरीद नहीं सकते। ये तो आप जब अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करेंगे तो ही आएंगे। बाबा कहते हैं तुम विचार करो स्वर्ग में कितना अकीचार धन माल था, अभी वह थोड़े ही है, सब गुम हो जाता है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया था, तुमको हीरे जैसा बनाया था, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया। अब फिर बाबा कहते हैं बाबा पूछ रहे हिसाब तो लेंगे ना, आप देखो अभी संगम युग पर सुख शांति आनंद हम ये जमा तो कर रहे हैं, और फिर सतयुग में तो हमारे महल भी हीरो जवाहरातों के ही बने हुए हैं, वहां तो रोशनी की भी जरूरत नहीं होती है, वहां कोई गरीब शाहूकार नहीं होता है, सबके साथ एक जैसा ही सामान होता है, उनके भी घर हीरे जवाहरात के बने होते हैं, सिर्फ पद में फर्क होता है, कोई राजा रानी होता है वो अपने पुरुषार्थ से होता है, जो ये संगम पर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें ऊंचा पद मिलेगा, नहीं तो फिर वहां भी हम वैसे फैसिलिटी सब होगी लेकिन पद में हम नौकर चाकर कहलाएंगे। तो यहाँ बात है बाबा कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो, तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाएगी, क्योंकि हमारी आत्मा पर इतनी सारी कटे चली हुई है, देह अभिमान की, प्रॉपर्टी की, पदार्थों की, मोह की, ममता की, इतनी सारी आवरण है, उनको सिर्फ जब हम मेडिटेशन करते हैं परमात्मा की याद में बैठते हैं तभी ही ये सारे पर्दे हटेंगे, आवरण हटेंगे और हमारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगी। बाबा कहते हैं वर्षा बच्चों को लेना है, बाप तो दाता है तो जरूर याद करना पड़े। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे सिकीलते बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। देखो अगर हम एक घंटा नहीं कर सकते मेडिटेशन तो हर घंटे में भी अगर 5-5 मिनट भी करें तो 24 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस करने की आप आदत डालो
तो ऑटोमेटिकली हमें फिर वो बात खींचेगी, और हर 5-5 मिनट हम योग करके वो कमाई कमाएंगे तो भी हमारे जीवन में जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो भी चला जाएगा। तो इसकी हमें प्रैक्टिस, इसलिए बाबा ने हमें ट्रैफिक कंट्रोल भी दिया हुआ है, और हमें बीच बीच में ब्रेक लगाकर जब जब समय बैठे मिले हम बैठ जाएं, बस एक मेडिटेशन ही करें, जिससे ही सारे प्रॉब्लम समाप्त हो सकते हैं। बाबा कहते हैं, ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, लॉ नहीं कहता है, सबकी तो उतरती कला है। ये जो कहते हैं फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं, वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं, हम ही गुणवान पूजे थे, हमने ही वर्षा लिया था। 5,000 वर्ष हो चुके, 5,000 वर्ष तक आप जो जितना वर्षा लिया था उसको यूज करेंगे तो आज तो पूरा खत्म ही हो गया है, अब हमारे पास तो कुछ भी रहा नहीं है। बाबा कहते हैं, तुमको वर्षा देकर गए थे शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। शिव जयंती में से जब शिव परमात्मा का अवतरण होता है उसको हम शिव कहते हैं, और शिव आकर हमारे जीवन का अज्ञान अंधियार दूर करते हैं, तब हम मनाते हैं शिव जयंती। और फिर वो शिव जयंती कैसे होती है, फिर आती है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मीन्स पवित्रता का हम कंगन बांधते हैं, और फिर दशहरा आता है मीन्स हमारे जीवन में जो 5 विकार थे उनको हमें भस्म करना है, दशहरा रावण को जलाना है, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। फिर बाबा आकर याद कराते हैं, बाबा समझाते हैं, अब ये सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ी भूत है, दुनिया तो यही है, यही भारत नया था अब पुराना हो गया है, स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं, भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए, भगवान भी इतना आसान नहीं मिलता है। द्वापर से आप देखो हर जगह हमने पुकारा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, किधर किधर हम भटके परमात्मा को पुकारा, पर परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। अब परमात्मा जब स्वयं आए हुए हैं, उन्होंने गीता में वायदा किया था, जब लोग अति धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होंगे तभी मैं आकर ये दुनिया की स्थापना करूंगा। अब वो समय आ गया है, परमात्मा आ चुके हैं और हमें नॉलेज भी दे रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करें, सुखी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, ये है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन मीन्स सतयुग और त्रेता युग है ब्रह्मा का दिन, क्योंकि वहां हमारे पास सर्वगुण और सर्वशक्तियां हैं, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता है, सर्व सुख है। और ब्रह्मा की रात मीन्स द्वापर और कलयुग, ये है ब्रह्मा की रात, क्योंकि यहाँ हमारे पास दिव्य गुण नहीं है, इसलिए हम पुकारते और चिल्लाते रहते हैं सुख और शांति के लिए, इधर उधर भटकते रहते हैं अंधकार। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुलटी कर दी है, तो पहले पहले तुम सबको बाबा की महिमा बैठ सुन। बाबा ने हमें होमवर्क दिया, बाबा ने कहा आपको तो नॉलेज मिल गया, 7 दिन का आपने तो कोर्स कर दिया, आपका जीवन तो बन गया है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे औरों का भी तो जीवन बनाना है, तो उनको भी ये 7 दिन का कोर्स कराओ, अगर आप नहीं करा सकते तो आप बहनों से उनको जोड़िए और वो बहनें उनको कोर्स कराएगी और फिर उनका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं,
बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, कृष्ण को थोड़े कहेंगे। निराकार पतित पावन सुख का सागर नहीं, उनकी महिमा ही अलग है, रात दिन का फर्क है। परमात्मा को गॉड कहते हैं और कृष्ण को लॉर्ड कहते हैं। लॉर्ड मीन्स सारी सृष्टि का जो मालिक है उसको हम लॉर्ड कहते हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण की आत्मा थी वो इतनी प्योर बनी, बाबा से ज्ञान लेते लेते उसने सारा का सारा ज्ञान हड़प किया और वो नंबर वन बने, इसलिए वो सतयुग के मालिक कहलाए। तो दोनों की महिमा में बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही है बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर नहीं छोड़ता। कितनी बड़ी भूल है, फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। बाबा कहते हैं सन्यासियों से कभी भी ये सौदा मिल न सके, वो तो खुद ही इस घर गृहस्थी से परेशान होकर, घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में जाकर वो तपस्या करते हैं सुख शांति के लिए। लेकिन परमात्मा ने मुझे सिखाया कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस घर गृहस्थ में रहकर ही आपको क्या करना है, इस सुख शांति का वर्षा लेना है। सिर्फ इन 5 विकारों को छोड़ अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करने हैं, बस यही करना है, घर बार छोड़ना नहीं है। वह है ही निर्वृत्ति मार्ग वाले और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वॉइसलेस वर्ल्ड थे, यह है विशेष वर्ल्ड। फिर कहते हैं क्या सत्युग में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था? बाबा ने कहा नहीं, वहां संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी। फिर बाबा कहते हैं सत्युग में तो ये सब कैसे हो सकता है? तो बाबा ने कहा भारत ही एक अविनाशी खंड है। आप देखो ये अमेरिका, ये अफ्रीका, ये तो 500 साल पहले ही इन्वेंशन हुई है इनकी, पहले ही नहीं थे ये, पहले भारत ही एक अविनाशी खंड था और बाकी सब पिकनिक स्पॉट थे जहां हम सब जाकर देवी देवताएं वहां घूमने जाते थे। तो बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। क्या बाबा कहते हैं हम पत्थर बुद्धि है? क्योंकि पत्थरों की पूजा करते करते हर इंसान पत्थर बुद्धि बन गया है। बाबा जो समझाते हैं वो समझ नहीं पा रहा है, तो हम पत्थर बुद्धि आयरन एज हो गए। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया, गांधी आदि सब राम राज्य ही तो चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म, फिर क्या हुआ, कुछ भी दिखाया नहीं। बाबा बैठ ये समझाते हैं, यह तो बिल्कुल सहज है, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती पर ही शिव बाबा आते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएंगे। परमात्मा को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, वो हमें देंगे भी क्या, हेवन ही देंगे। आएंगे भी तब जब हेल होगा, हेवन के बाद द्वापर हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वारा खुले हैं तो जरूर अब हेवन में आएंगे। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है, महिमा सिर्फ एक परमात्मा की है जिसको हम बाबा कहते हैं, और शिव बाबा की एक ही हट्टी है, हट्टी मीन्स दुकान, उसके 2-4 दुकान नहीं है, एक ही दुकान है। तो बाबा कहते हैं बेहद बाबा द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है, बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों पड़े, ये कोई भी नहीं जानते हैं। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको फिर पावन बनना है। मेहनत क्या करनी है मुझे, पतित से पावन बनना है।
बाबा का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसी को भी पता नहीं है। कोई से पूछो तो रावण को कब से जलाते हैं, कहेंगे वो तो अनादि चला आता है। ये सब राज बाबा समझाते हैं, उस बाप की एक ही हड्डी है और कोई ये बातें रावण और कुछ भी नहीं है। ये पांच विकारों को रावण कहा जाता है। तो सुख शांति पवित्रता मनुष्य को नहीं मिल सकती, सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिलती। ये झूठ बोलते हैं फलाने को शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति दाम में। यहाँ तो हमें हर कर्म करना ही पड़ेगा और अच्छे कर्म ही करना पड़ेगा तब शांति मिलेगी। अरे शांति तो मिलेगी शांति दान में, यहाँ तो एक को भी शांति होगी फिर दूसरा अशांत करेंगे। हम शांत है लेकिन दूसरा आकर हमें कुछ कह जाएंगे, हम बैठे थे शांति में और दूसरा कुछ कह जाएंगे तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। बाबा ने कहा सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापार एक शिव बाबा ही है, उनसे कोई आकर व्यापार करे उनको ही कहा जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो चाहिए आप खुले भंडारे हैं, आपको जब चाहिए तब ले सकते हो। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाबा तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। वो इतना खुला भंडारा करते हैं हम लेकर भी थक जाते हैं, इसलिए ठंडे पड़ जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। क्यों आते हैं माया के तूफान? क्योंकि अपने को आत्मा भूलकर जब देह भान में आ जाते हैं तभी हमारे पास माया के तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कोई कम बात है क्या? तो मेहनत तो करनी है, स्वर्ग का मालिक बनना है तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। श्री मत पर चलते रहो, वखड़ जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना है। पवित्र बनना है तो इन पांच विकारों का दान जरूर देना है, मेहनत करनी है। वैसे भी कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण, तो ये जो ग्रहण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है जब तक दान में नहीं देंगे तब तक मेहनत करनी है। बाबा को याद करना है तब ही कट उतरेगी, मुख्य है याद। प्रतिज्ञा बल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश। अब देखो 84 जन्म तक हमने जन्म लिया है तो हमने कितने सारे पाप अपने सर पर बोझ उठा लिया है, वो आसानी से नहीं उतरेंगे। वो सिर्फ जैसे कहते हैं हम याद में बैठते हैं, आप देखो सूर्य इतना पावरफुल है कि वो एक पेपर को जला देता है, जब हम कन्वेंस लेंस उसके ऊपर रखते हैं तो वो पेपर को जला देता है। पर हम सूर्य के सामने रोज ऐसे ही घूमते हैं तो वो मुझे जला नहीं सकता। इसी प्रकार परमात्मा की भी कृपा चारों तरफ है, लेकिन मैंने कन्वेंस लेंस नहीं रखा है, मेडिटेशन में बैठना है। देह को भूल आत्मा समझ जब परमात्मा को याद करेंगे तो वो कन्वेंस लेंस का काम करेगा और मेरे जीवन में जितने भी पाप कर्म किए हुए हैं वो उसमें भस्म होते हैं। तो भारत का ये प्राचीन योग मश्वर है, क्या ज्ञान देते हैं। मन मना भव अर्थात माने कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे आ जाएंगे और संग तोर एक संग जोड़ेंगे, हमने परमात्मा से वायदा किया है, लेकिन जब परमात्मा आए हैं तो हम तो अपने ही कार्यों में बिजी हैं। अब तो मेरे को ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, मेरी पोती की शादी होने वाली है। अब परमात्मा के संग जोड़ो तो ही हमारा कुछ हो सकता है। प्रतिज्ञा की फिर भूल गए, कहते हैं हाथ कारडे दिलियारडे, हाथों से काम करो। परमात्मा नहीं कहते हर काम छोड़ दो, काम तो हाथों से करता है लेकिन मन तो फ्री है,
मन ना भर का मतलब ही है कि अपना मन मुझ में लगाओ, हर कार्य करते याद प्रभु को करो। तो कर्म योगी तो तुम ही धंधा आदि करते बुद्धि में बाबा से लगाओ। माशुक बाप खुद कहते हैं, तुम आशिकों के आधा कल्प याद किया, अब मैं आया हूं मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर ही छोड़ना। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सब पुरुषार्थी है, करते रहो। पुरुषार्थी भी नहीं ऐसे कि हम कहें हर टाइम हम मिस्टेक करें और हम कहें हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी का अर्थ है कि एक बार मैंने भूल की, उसको सोच समझ कर मैं दोबारा वो भूल ना करूं, उसको हम पुरुषार्थी कहते हैं। बाबा कहते हैं, जिसमें मैं कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर तो एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वखर है, वही जादूगर है, और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा न मिल सके। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, बच्चों को धारण कर और धारण भी कराना है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। आप देखो, आपने एक दुकान लगाई है, उस पे आप सामान लेके आते हो तो क्या दुकान पर ही रखते हो? आप बेचते हो ना। तो ये ज्ञान भी जब हम ले रहे हैं, हमें भी दूसरों को देना है। दिन प्रति दिन बहुत तरावटी माल मिलता रहेगा, इतना बाबा वर्षा देते हैं। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, मात पिता भाव दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, बाबा द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वखर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का ध्यान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का ध्यान करना है। दूसरा, देवताओं जैसा मीठा बनना है, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है, और बाबा की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। वरदान, अब बाबा का वरदान बहुत अच्छा है, थोड़ा अटेंशन देंगे। अपने प्रति व सर्व आत्मा के प्रति लाफुल बनने वाले ला मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर बाबा। बाबा ने आज बहुत बड़ा वरदान और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमें। बाबा समझा रहे हैं, जो स्वयं प्रति लाफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लाफुल बन सकते हैं। जो स्वयं ला को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर ला नहीं चला सकते। अगर हम दूसरों को कहें कि पवित्र बनो और गुस्सा ना करो, और हम अगर खुद कर रहे हैं तो उनको वो असर नहीं होगा। इसलिए हम लॉ मेकरों को पहले उस लॉ का पालन करना पड़ेगा। वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकती, इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहां भी लॉ तो ब्रेक नहीं होता है। ये पूरी चेकिंग करनी होती है कि मेरे मनसा में किसी के लिए बुराई तो नहीं आई, मैंने किसी से बात की उसमें कुछ बुरा तो नहीं बोला। ये सारी चेकिंग करेंगे, क्योंकि हम खुद ही लॉ मेकर हैं तो हमें कोई भी लॉ ब्रेक नहीं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क
परखवा एक दो को सहयोग देने में सेवा में कहां तक लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते, जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते। कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करना, इसका आज पूरा दिन हम ध्यान देंगे। अंत में स्लोगन है, बाबा ने कहा है, कर्म करते कर्म के अच्छे एवं बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति। कर्म तो करना है, कर्म के बिगैर तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जब अच्छा कार्य करते हैं तो मन इतना खुश हो जाता है, और जब कुछ ऐसी बात हो जाती है तो पश्चाताप भी होता है। इसलिए मुझे अपने कर्मों पर इतना ध्यान देना है कि उसका कोई भी बुरा प्रभाव मेरे मन पर न पड़े, तभी हम उसको कहेंगे कर्मातीत। शांति। आज हम